हेलो फ्रेंड्स, सुषमा राहुल की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी विक्स रैब, जो हम घर पे बना सकते हैं बच्चों के लिए, और वो भी बड़े ही आसान तरीके से, और वो भी बनाएंगे देसी घी का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विक्स रैब बनाने के लिए ये मैंने देसी घी यूज़ किया है, और ये मैंने साथ में लिए हैं कपूर, जो पूजा वाला कपूर यूज़ करते हैं पूजा में, हवन में, वो वाला कपूर लेना है। तो ये चकोर भी आते हैं और गोल गोल भी आते हैं, तो ये किसी भी शेप में आप ले सकते हैं। तो अब देखिए, इनको मैं ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, और जो गोल आएगी छोटे छोटे वो वैसे टूटे हुए होते हैं। और अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये घी मैंने इसमें ले रखा है, इसमें से मैं 2-3 टेबलस्पून घी डाल लूँगी इसके अंदर। ये 1 टेबलस्पून घी ले लिया मैंने, और ये 2, और उसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंग 2 टेबलस्पून फुल भरे हुए 2 टेबलस्पून घी लिए हैं। मतलब अगर टीस्पून की बात बोली जाए तो 4 टीस्पून के करीब है, एक लेवल के अकॉर्डिंग लिया जाए तो। और उसकी जमा हुआ घी वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, और इतने जो है मैंने ये कपूर डाल दिए इसमें, थोड़ा सा वो डाल दूंगी। और साथ में जो है अब 1 टीस्पून जो है मैंने घी और डाल दिया है। तो अब जो है इसको अच्छे से लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से गर्म करूँगी। तब तक गर्म करना है जब तक ये कपूर उसके अंदर पूरे से पिघल जाएगा, और पूरे घर में जो है एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से पिघल कर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और जो हम मार्केट से लेके आते हैं वैसे ही विक्स की जो खुशबू होती है वैसी खुशबू इसकी आएगी, और पूरे घर में फैल जाएगी। तो अब देखिए ये इसके अंदर मिक्स हो चुका है, और अब जैसे ही ठंडा होगा इसको जो हम किसी अलग से डब्बी के अंदर भर के रख लेंगे। तो अभी ये मैंने इसके अंदर बाउल के अंदर डाल दिया है, और क्या करेंगे जब जैसे वो विक्स लगाते हैं वैसे इसको लगाना है। 3 मंथ से छोटे बच्चों के सिर्फ हमें पैर के जो तलवे हैं उसके नीचे मालिश करनी है, और 3 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं उसकी जो है आप पैर के तलवों की मालिश, और जो है उसकी बैक की मालिश, और उसकी छाती पे भी रब कर सकते हैं, लेकिन फेस के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं लगाना बच्चों के। तो देखिए ये जो है जैसे ही जमेगा इसको हम यूज करेंगे। इसी तरह से आप जो है एक रेमेडी और बताती हूँ, घी के अंदर जैसे 1 टेबलस्पून घी ले लिया उसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक डाल लीजिए, और उसको भी अच्छे से गर्म करना है, और जब हमारे टॉन्सिल हो जाते हैं उसके ऊपर यूज़ करेंगे हम उन चीज़ों को। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ऐसे जम जाएगा, और ये विक्स रैब की तरह काम करेगा। जब भी हमें मालिश करनी होगी हम इसको जो पैर के तलवों के ऊपर और बैक के ऊपर, कमर के और छाती के ऊपर यूज करेंगे, जो 3 महीने से बड़े बच्चे हैं उनके लिए, और जो 3 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ पैर के तलवों की मालिश करेंगे, और फेस के ऊपर इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना, आँखों के आसपास या फेस के ऊपर यूज नहीं करना। तो इससे जो है सर्दी में अच्छी तरह से बचाव रहेगा, और जो भी बंद नाक वगैरह जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी अच्छे से खुल जाएगी, और सर्दी में बच्चों को बचा के रखेगा। और अगर टॉन्सिल और अगर गले पड़ गए हों, चाहे छोटों को या बड़ों को, तो घी में जो नमक मिला के हम उसको अच्छे से बॉयल करके जो रेमेडी बनाएंगे उसकी हम गले के ऊपर, गले के जो नीचे है उसके अंदर अच्छे से मालिश कर लेंगे, तो इससे जो टॉन्सिल होंगे वो ठीक हो जाएंगे। और तीसरी रेमेडी जो है इसके लिए ये मैंने लिया है अदरक, और अदरक को क्या करेंगे अच्छे से घिस लेंगे, इसका एक तरह से रस जो जूस बोलते हैं वो निकालना है। तो ऐसे तो अदरक को अगर मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा अदरक जो हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो ये क्या कर लिया मैंने, इस ग्रेटर से इसको मैं ग्रेट कर लूँगी थोड़ा सा, और इस तरह देखिए। और अब जो है जितना भी ये हो जाएगा, ये रेमेडी जो है बच्चे या बड़े कोई भी कर सकते हैं, जिससे जो है खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और अगर 3-4 बार आप ये लोगे तो खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस इसकी क्वांटिटी जो है बच्चों को कम दी जाएगी और बड़ों को ज़्यादा। तो अब देखिए ये ऐसे ले लिया मैंने, और अब जो इसको ऐसे दबा के इसको जो है इसमें जो भी रस होगा वो निकाल लेंगे। देखिए ये रस इसमें इतने डाल लिया। अगर एक ये रेमेडी भी हम 1 साल से बड़े बच्चों को देंगे, उससे छोटे बच्चों को नहीं देंगे, 1-1.5 साल का जो बच्चा होगा। और इसके लिए देखिए ये तो ज़्यादा है, फिर भी 1 साल से बड़े बच्चों को देंगे तो उसके लिए बिल्कुल जैसे वो शहद ले रखा, हमें इतना शहद लेना है, और सिर्फ एक ही बूंद जो है बिल्कुल, ये मैंने जो डाली है वो भी ज़्यादा डाली है, एक ही बूंद वो इसमें हम अदरक के रस की मिलाएंगे और बच्चों को दे देंगे, और उससे क्या है खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, और 3-4 बार लेने से
वो खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जितना जो डाला है ये क्वांटिटी मैंने खुद ली है, थोड़ी सी अदरक कम पड़ गई थी लेकिन फिर भी ये मैंने ले ली। तो इस तरह से जो है हम दे सकते हैं, और बड़ों को जब आप देंगे तो उसमें 2 या 3 बूंद उसमें डाल लेना, आधा चम्मच शहद में 3-4 बूंद अदरक के रस की। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।